आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल द रीडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शानु सिंह और मैं आपके लिए लेके आया हूँ 31 दिसंबर का करेंट अफेयर्स। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे शॉर्ट में हम CDS बोलते हैं, किसे चुना गया है? ए जनरल बिपिन रावत, बी एडमिरल करमबीर सिंह, सी एयर मार्शल RKS भदौरिया और डी BS धनोआ। तो हमारा सही आंसर है ए जनरल बिपिन रावत। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे जो CDS है उनकी जो एज है वो बढ़ा के कितने साल की कर दी गई है, तो उनका जो एज है वो अब 65 ईयर्स तक हो गया है। ये अपने 65 ईयर्स तक पोस्ट पर बना सकते हो। पहले जो एज थी वो 62 ईयर्स थी, कि 62 ईयर्स या 3 साल, जो 3 ईयर्स जो भी पहले पूरा होता उसमें उन्हें अपना पोस्ट छोड़ना पड़ता। तो इस चीज़ को लेके कभी क्या होता कि जो किसी की एज अगर पूरी हो गई तो वो उन्हें 1-2 महीने के लिए भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता था। तो उसको लेकर उन्होंने CDS का जो उम्र है वो 65 कर दिया। और जो जनरल बिपिन रावत है, इंडिया के फर्स्ट CDS है, ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जो तीनों सेनाओं और जो गवर्नमेंट है उनके बीच के कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब कितने साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था तो आपको आंसर पता हो गया होगा। हमारा आंसर है 65 साल। और जो 62 साल था ये ओल्ड एज था, पुराना वाला जो एज था वो क्या था, 62 ईयर्स पहले था, और नया वाला एज है 65 ईयर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किसे पश्चिम बंगाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? ए निरंजन हिरानंदानी, बी संगीता रेड्डी, सी राजीव सिन्हा और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आज का सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी राजीव सिन्हा। मैंने अपने वीडियो में संगीता रेड्डी के बारे में डिस्कस किया था, आपको कमेंट करके कमेंट में बताना है कि संगीता रेड्डी कौन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य ने नर पशु डायरेक्टरी नाम से बैलों का एक डेटाबेस जारी किया है? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने एक डेटाबेस बनाया है जिसमें उन्होंने बैलों को सूचीबद्ध किया, मतलब बैलों के नाम, बैलों की एक डायरेक्टरी बनाई है जिसमें उन्होंने बैलों के बारे में एक डेटा बनाया है कि उनके स्टेट में कितने बैल है और क्या किसकी मालिकाना हक किसके पास है, और उन्होंने इसको एक नंबरिंग भी दिया है, तो उसका डेटाबेस उन्होंने रिलीज किया, तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन बनी है? ए क्रिस्टीना कोच, बी पेगी, सी स्कॉट के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ए क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच जो है अंतरिक्ष में रहने वाली अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी है, और इनका जो रिकॉर्ड है अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो है 289 डेज का। और किसी अगर हम बात करें किसी भी इंसान के रहने की अंतरिक्ष में, तो वो है हमारा कोई भी अगर इंसान है तो वो है हमारा 340 डेज का। 340 दिन तक कोई भी इंसान अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रहा है, और क्रिस्टीना कोच जो है ऐसी महिला है जो 289 डेज तक रही है अभी तक। और ये इनका जो अंतरिक्ष का टोटल सफ़र है वो हमारे अगले साल 2020 में खत्म हो रहा है, तब तक इनका जो टोटल डेज हो जाएगा वो 328 डेज हो जाएगा। ये 328 डेज तक अंतरिक्ष में रहने वाली है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन कौन बनी है? ए कुनरी हम्पी, बी लई टिंगोजी, सी पद्मनी राउत और डी तानिया सचदेवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए कुनरी हम्पी। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन जो है, शतरंज चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? रूस में, रूस के राजधानी मॉस्को में ये हुआ था, जहाँ पे कनेर हम्पी जो कि इंडिया की हैं इन्होंने चाइना के खिलाड़ी को हरा के ये चैंपियनशिप जीती है। और ये पहले भी थी, इन्होंने 2 साल बाद वापसी किया है, और 2 साल बाद वापसी करके इन्होंने खिताब जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस्लामिक सहयोग संगठन जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक OIC शॉर्ट में बोलते हैं, कि 2020 में मीटिंग कहाँ होगी? तो
इनका जो मीटिंग है 2020 के अप्रैल महीने में, 2020 के अप्रैल महीने में संभावित है। तो हमारा जो ऑप्शन है क्या है, ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी रावलपिंडी और डी कराची। तो ऑप्शन से आपको पता चल गया कि ये पाकिस्तान में होने वाली है, पाकिस्तान के हिस्से में। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ए इस्लामाबाद। इनका जो अगला मीटिंग होगा वो इस्लामाबाद में होगा, जहाँ पे ये मिली हमारा जो JNK का जो मुद्दा था, और 370, आर्टिकल 370 और 35A, इसके ऊपर ये डिस्कस करने वाले हैं। और एक्चुअली आपको नाम से पता चला कि इस्लामिक सहयोग संगठन, तो ये जो है मेनली एक संगठन है जिसमें 57 इस्लामिक कंट्रीज है जो इसके सदस्य हैं। और ये मेनली इसका जो लीडर कहते हैं हम इसका, एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ। इसमें 57 कंट्रीज है और इसका जो लीडर है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया क्या है, इसका लीडर है अभी। और इन्होंने एक डिसाइड किया कि अगले जो मीटिंग होगी 2020 अप्रैल 2020 में, उसको इस्लामाबाद में करेंगे, और वहाँ पे ये कश्मीर के इशू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए अशोक चौहान, बी अजीत पवार, सी शरद पवार और डी सुप्रिया सुले। तो हमारा आज का सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी अजीत पवार। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और इन्होंने चौथी बार, फोर्थ टाइम इन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अशोक चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शरद पवार जो है एनसीपी के जो नेता है वो है, और सुप्रिया सुले भी एक सांसद है जो शरद पवार की बेटी है, और अजित पवार शरद पवार के भतीजे हैं। तो ये पूरी की पूरी फैमिली है, पवार फैमिली, और सबके सब बहुत ही सक्रिय राजनीति में हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि जो महाराष्ट्र का सीएम है वो कौन है, वो आपको कमेंट में बताना है। जो भी रिसेंटली बने हैं, पहले देवेंद्र फडणवीस थे और अभी ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सियल मुद्दा बना था, तो आपको याद होना चाहिए था कि क्या कौन है। तो आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज ही एक 30 दिसंबर को जो हमारे मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने एक डेटा रिलीज किया था जिसके अनुसार भारत में जो है वन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो वो वृद्धि कितने स्क्वायर किलोमीटर में हुआ है? हमारा ये है लगभग 5,000, दूसरा है 5,100 किलोमीटर, तीसरा है 5,200 किलोमीटर और चौथा है 5,300 किलोमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन है लगभग 5,200 किलोमीटर। ये एक्चुअली में क्या है, 5,188 वर्ग किलोमीटर है। तो हमारे इंडिया में इतना वर्ग किलोमीटर, जो लगभग 5,200 वर्ग किलोमीटर का जो वन का जो क्षेत्र है वो बढ़ा है, जो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। और यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बढ़ा है। और ये जो है एक पेरिस में समझौता हुआ था जिसके तहत दुनिया के जितने भी कंट्री है, जितने भी विकासशील और विकसित कंट्री, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने यहाँ वन के क्षेत्र को बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर जो भी है, टेम्परेचर वहाँ पे है, उस टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है हमारा जो प्रयास हो रहा है वनों के क्षेत्र को बढ़ाने का, ये उसी पेरिस समझौते के तहत हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी इंदौर, सी रायपुर और डी जयपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी रायपुर। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, और इसकी यहाँ पे हमारे जो कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, वो भी गया था और उन्होंने यहाँ पे आदिवासियों के साथ डांस किया था। तो राष्ट्रीय जाति जनजाति उत्सव महत्व आदि महोत्सव के नाम से भी बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे स्टेट जो है इसको, लाइक जैसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में इसको आदि महोत्सव के नाम से भी मनाया जाता है। तो अभी जो ये हो रहा है वो रायपुर में हो रहा है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। बढ़ते हैं हम अपने इतिहास की तरफ, जहाँ पे हम 31 दिसंबर के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो पहला जो है 1600 ईस्वी में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जानते हैं कि आप, यूके की, ये ब्रिटेन की थी कंपनी, और ब्रिटेन की महारानी के
ब्रिटेन की महारानी जो थी, यूके की कंपनी थी, और ब्रिटेन की महारानी के आदेश पे इन्होंने इंडिया से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 31 दिसंबर 1781 में बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि अमेरिका में खोले जाना पहला बैंक था, इसका पहला ब्रांच अमेरिका में खोला गया था। उसके बाद 1827 में ब्रिटेन के आविष्कारक जान वाकर ने माचिस का आविष्कार किया था। उसके बाद आता है 1911, 31 दिसंबर 1911 को मैडम क्यूरी ने अपना दूसरा रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किया था। इनको जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो फिजिक्स के लिए मिला था, जो इन्हें अपने हस्बैंड के साथ 903 मतलब 1903 में इन्हें अपने हस्बैंड पियरे क्यूरी के साथ मिला था। और मैडम क्यूरी जो है पहली ऐसी महिला थी जिन्हें, और पहली ऐसी व्यक्ति थी जिन्हें दो दो नोबेल पुरस्कार मिला है। और इनकी मैडम क्यूरी की जो फैमिली है, मैडम क्यूरी को पूरी फैमिली में लगभग चार, इनके फैमिली में पांच जो है नोबेल पुरस्कार मिले हैं, दो तो मैडम क्यूरी को, एक इनके हस्बैंड को, और इनकी जो बेटी है और उनके बेटी का जो हस्बैंड है उन दोनों को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये तो इनके फैमिली में, ये अकेली पूरी दुनिया में अकेली ऐसी फैमिली है जिनके पास पांच नोबेल पुरस्कार है। और मैडम क्यूरी और उनके पति जो है पियरे क्यूरी, ये दोनों पहले हस्बैंड एंड वाइफ थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अभी जो है रिसेंटली हमारे इंडिया के ही जो, और हमारे इंडिया के जो अभिजीत बनर्जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभिजीत बनर्जी, और अभिजीत बनर्जी और उनकी जो वाइफ है एथर डुफ्लो, उन दोनों को, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, उन दोनों को इकोनॉमिक्स के लिए मेडल नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये अभिजीत बनर्जी और एथर डुफ्लो जो है दुनिया के छठे नंबर की हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है जिन्हें ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला है। हमारा अगला हिस्ट्री में, उसके बाद 1984 में 31 दिसंबर 1984 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हुआ क्या था कि 31 अक्टूबर 1984 को हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनकी हत्या हो गई थी। तो उसके बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। उसके बाद 1999 में, 1999 में बोरिस यल्तिन सिन ने रूस के राष्ट्रपति के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार सौंपा गया था। और तब से हम देख रहे हैं कि अभी तक जो व्लादिमीर पुतिन है यही रूस के जो है सर्वे सर्वा है, ये रूस के पूरी राजनीति पे इनका ही कब्जा है ये। और अभी तक 2024 तक इनका ही जो वहाँ पे शासनकाल रहने वाला है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे अगले वीडियो को पाने के लिए अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।